हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे आफ्टरनून और टाइम अराउंड 3 o'clock होने वाले हैं। 5 o'clock होने वाले हैं, सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया। और आज मैं लगी हुई थी जो भी दिवाली की डेकोरेशन की थी ना, वो हटा करके नॉर्मल अपनी जो डेकोरेशन है वो किया, तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो मैं सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। एक तो इस बेडरूम का ना जो चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कैसे क्या करूँ, और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, साथ में धुआं भी आ रहा है, बंद ही कर लूँ। और मैं हूँ अपने नाइट सूट में, क्योंकि फ़िलहाल नहा धो के रेडी हुई हूँ और मुझे करना है ये ढेर सारा काम। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये है कपड़े, मुझे लगानी है अलमीरा, क्योंकि जैसे पता है ये विनोद की थी, वो मेरी, ठीक है, ये हम दोनों की थी, तो इसमें मैंने सारा जो अपना स्टॉक है जो मैं सेल कर रही हूँ वो मैंने लगा दिया, तो मेरे और विनोद के पास बची है एक अलमारी शेयर करने के लिए। और सर्दियों के होते हैं बहुत सारे कपड़े, आपको पता ही है, तो सर्दियों के कपड़े मुझे लगाने हैं। और इसे मैंने बस, मतलब अब भी अगर मैं इसकी सिचुएशन दिखाऊँ ना, इसको ओपन करूँगी तो सब बाहर आएगा, ये हालत हो रखी है इसकी, तो ये मुझे लगानी है। और बाकी मैंने सारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर दी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था चेंजेस, बट जो भी थे वो मैंने कर दिए, नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग अपना जो सेटिंग है वो कर दी है, किचन भी कर दिया है। बस अब फिलहाल यहाँ का ये बेड और ये अलमारी ये रहती है, तो मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी, और मैं हूँ अपने सेकंड डे पे, तो बहुत हालत ख़राब है मेरी, और मुझे नहीं बताई मतलब कैसे होगा ये, बट आज ये करना ही है मुझे किसी भी हाल में, तो वो मैं करूँगी। और मैं है ना अभी आपको दिखाऊँगी सारी चीज़ें मैंने कैसे क्या हटा करके लगाया है, और फिर ये अलमारी भी दिखाऊँगी, और अलमारी खोल के दिखाऊँगी मैं आपको अभी और बाद में कि मैंने कैसे लगाई है पूरी की पूरी, कैसे मैंने शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि कैसे लगा रही हूँ। और इसकी जो मिरर इमेज थी ना वो मैंने ठीक कर दी है, आई होप कि अब इसकी जो आ रहा होगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो उल्टा नहीं दिख रहा होगा, सही दिख रहा होगा। तो मैंने ना यहाँ पे ये प्लांट रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट रखा है, वहाँ पे वो एलिफेंट है, यहाँ पे ये पिग और सकलेंट है, तो मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा किसको कहाँ पर मैं रखूँ। अगर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं तो मुझे कुछ और भी आइडिया दे दो कि मैं कुछ और रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में एक आपने देखा होगा वाइट कलर का वास था, वो टूट गया, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकती जो कि गिर के यहाँ से टूट जाए, क्योंकि स्पेस कम है, मतलब वैसे तो अच्छा खासा स्पेस है, ऐसी बात नहीं है, स्पेस सही है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें सवाल उठाया एकदम से, जैसे बेड से ही मैं अगर तह लगाने के लिए मैंने रजाई या कंबल उठाया और वैसे झाड़ तो पीछे लग के वो गिर के टूट जाएगा, तो कुछ ऐसा सजेशन दो कि मैं क्या करूँ, या इसको खाली रखूँ मैं, सिर्फ ये दोनों रहने दूँ, या इनको ऐसे रखूँ, तो प्लीज़ मुझे ना थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा कि कैसा, अब कैसा लग रहा है बताओ, ये कैसा लग रहा है तो मुझे बताना कि कैसे लग रहा है ये, यहाँ पे कुछ और मैं रख सकती हूँ, कैसे क्या कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा सजेशन देना। ऑलमोस्ट आपको पता ही है मेरे घर में क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। और पहले यहाँ पे एक्चुअली लैम्प रखा हुआ था, बट वो लैम्प है ना इसकी मुझे लगता है, वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मैंने लैम्प उठा दिया ताकि थोड़ा सा यहाँ पर वो हो जाए, थोड़ा सा मतलब इसको रिलैक्स हो जाए, ज़्यादा इसके ऊपर वेट ना आए, तो थोड़ा सा डर लगता है ना, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब दीवार के अंदर ही है, ये वुड का है और ये दीवार के अंदर है, लेकिन फिर भी तो देखते हैं। या फिर ऐसे रख कर सकती हूँ कि यहाँ पे ना बुक रख के 2-3 और उसके ऊपर लैम्प रख दूँ एक, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल तो ये है, आप बता देना मुझे कैसे क्या करूँ मैं, ये कैसा लग रहा है ये बताना मुझे, और क्या है सजेशन वो भी दे सकते हो मुझे। वैसे आइडिया तो ये भी सही है कि बुक रख के और उसके ऊपर लैम्प रख दूँ, कौन से वाला लैम्प रखूँ मैं, फ्रिज के ऊपर है वो भी नहीं आएगा इसके, यहाँ के एक छोटा छोटा सा लैम्प चाहिए होगा कुछ उस टाइप का, चलो देखते हैं। चलो तो ये है, और इसके बाद मैं शेयर करूंगी, मैं लेके आई हूँ न्यू बेडशीट, वुलन बेडशीट है, डबल बेड की वुलन बेडशीट है, आपके किंग साइज बेड पे उठ सही आ जाएगी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है,
तो अभी मैं इस क्लिप के बाद वो वाली जो वुलन बेडशीट्स है ना वो शेयर करूंगी, और देखती हूँ सारी करूंगी या कुछ एक पिक शेयर करूंगी, कुछ एक दूसरे चैनल पे कर लूंगी, क्योंकि एक बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी सारी, तो देखती हूँ कैसे करूँ। बट हाँ, इस क्लिप के बाद वो वुलन बेडशीट आएगी, और जो स्क्रीन पे मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगी, जब वुलन बेडशीट वाला आएगा ना तो वहाँ पे स्क्रीन पे अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आप उस पे मुझे मैसेज करके और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और पेमेंट जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है, और मैं जो आपके घर भेजती हूँ कोरियर से, आपके डोर स्टेप डिलीवरी होती है, ठीक है। तो वही जैसे अमेजोन वगैरह पे होती है आपकी, बस वही है। हाँ, सीओडी का प्रोसेस नहीं है, बस सीओडी नहीं है, बाकी आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट होगा वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। तो व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा वुलन बेडशीट अगर आपको चाहिए। उसके अलावा दोहर सेट है, जो कॉटन बेडशीट है वो है, ब्लैंकेट्स हैं, और कुशन कवर भी हैं, तो वो भी शेयर करूंगी मैं कुछ टाइम बाद आप लोगों के साथ। और ये जो दोहर सेट था ना, ये मैंने ले लिया, मतलब मैंने ही लगा लिया, अभी मेरे को बहुत पसंद था तो मैंने इसको रखा हुआ था कि अगर दिवाली तक ये सेल नहीं होगा तो इसको मैं लगा लूंगी। तो दिवाली से 4-5 दिन पहले मैंने इसको लगा लिया था, ये इसका पूछा था किसी ने बट ऑर्डर कंफर्म नहीं किया था उन्होंने, तो फिर मैंने इसको लगा ली, मैं अब तो मैं ही रखूंगी इसको। तो ये मैं दिवाली पे मैंने ये बिछाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता है, और मैं खुद यूज़ कर रही हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर आप दोहर सेट वगैरह लेते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। और मेरे पास रिस्पॉन्स भी आए हुए हैं, जो जितने भी मेरे दोहर सेट गए हैं सबका रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आया है। तो चलो एक बार मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं घर में। तो ये तो आप मुझे ये वाला तो आप मुझे बता देना कि कैसा लग रहा है और क्या करूँ मैं। वैसे तो ठीक ही लग रहा है बट फिर भी आप थोड़ा सा सजेशन दे देना। वैसे ना मैंने ये वास रखा हुआ था यहाँ पर, तो मैं सोचूं कि ये वाला वास यहाँ पर रख दूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। चलो मैं एक बार आपको रख के दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इसका ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यार गिर ना जाए। देखो एक जैसा सा लेवल हो गया ना सबका, फिर वहां पे मुझे कुछ और रखना पड़ेगा, या इसको हाइट देने के लिए, अप करने के लिए, क्योंकि एक हाइट में हो गए तो ये तो यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो जो दूसरे वाला था ना वो सही लग रहा था, यहाँ पे वाइट वाला, ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये खाली ये भी सही नहीं लग रहा, बहुत छोटा सा कम सा हो गया। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। ये मैं सोची कि बुक्स रख के और बुक्स के ऊपर एक कैटल, ये कैक्टस रख दूँ। रुको दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला
समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को नहीं आ रहा समझ में बिल्कुल भी। ये भी ठीक लग रहा है, इस कैक्टस को छोड़ दूँ क्योंकि इसके नीचे तो आएगा नहीं, या फिर इस पिक को, खाली कैक्टस तो इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था ना ये। तो बताना कैसा लग रहा है, जो भी सजेशन हो ना मुझे दे देना यार, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। तो चलो ये हो गया, यहाँ से मैंने हटा दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये एक विंड चैम है और ये कारपेट मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे मैंने जो प्लांट्स है वो रख दिए। अरे इन प्लांट्स के पास में ना मैंने ये रखा था हमारी परी मैडम, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ये रखे थे ये, तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रख दिया है। नीचे वो साइकिल रख दी है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा हुआ बुद्धा जी है। अच्छा ये था कारपेट एज इट इज़ रहने दिया, कुशन कवर है वो चेंज कर दिए, जो क्लोथ था वो हटा करके नॉर्मल जो कुशन थे वो रख दिए हैं। ये परी की मैगी बची हुई है उसने नहीं खाई। और यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट के अंदर ये बुद्धा जी रख दिए हैं, टी होल्ड टी वो लाइट होल्डर है। और यहाँ पे ये वाले जो हैं ये लगा दिए मैंने, और वहाँ पर भी बस ऐसा कुछ रहने दिया। तो बहुत सिंपल सा कर दिया है, कुछ नहीं किया। यहाँ से भी यहाँ पे मैंने ये लैंप रख दिया, ये फ्लावर वास ऐसे ही रहने दिया है, लैंप रख दिया। और बीच में से ये यहाँ पे जो बुद्धा जी रखे हुए थे ना दूसरे टाइप के वो थे वो हटा के बस सिंपल सा बस इतना सा रहने दिया मैंने इसको। तो ये सिंपल सा हो गया, सिंपल सूदिंग सा। और यहाँ पर भी ये एयर प्योरीफायर, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट अब दिल्ली में, ये है यहाँ पे बुद्धा जी और ये लेडी एंड टी लाइट होल्डर, बस सिंपल सा ये कर दिया यहाँ पर भी। तो बिल्कुल सिंपल सा बना दिया है मैंने इसको अपने लिविंग रूम को। ये देखो ये मुझे सही लग रहा है बिल्कुल एकदम ठीक है ना, ये देखो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया एकदम, तो ये तो सही लग रहा है। बस इसकी कन्फ्यूज़न है, इसका मुझे बता दीजिएगा कि क्या करूँ। अब मैं आ गई हूँ छत पर, मच्छर कितने सारे हैं भगवान। चंदा मामा भी आ गए हैं, तो मेरे कपड़े सूख रहे थे जिनको मैं लेके जा रही हूँ नीचे। तो सर्दी में एक काम और बढ़ गया है कि जो कपड़े ना ऊपर छत पे सूखा करेंगे अब, एंड नीचे तो धूप ही नहीं आती सर्दियों में, ये बड़ी प्रॉब्लम है इस घर में कि धूप नहीं आती है। तो ये सारे कपड़े लेके जाने हैं मुझे नीचे। चलो यही सोच रही हूँ कम से कम थोड़ा बहुत वेट तो कम होगा, वैसे चक्कर काटो या ना काटो लेकिन इनके चक्कर में, कपड़ों के चक्कर में ना, अब जैसे आज आज तो दो ही राउंड हुए मेरे, अदरवाइज जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो तीन राउंड हो जाते हैं कपड़े सुखाने के, और फिर उनको पलटने के लिए आती हूँ एक दो बार, फिर उतारने के लिए तो कम से कम तीन चार बार तो सीढ़ियाँ चढ़ ही जाती है ना, पाँच छः बार, तो कुछ वैसे ही वेट कम हो जाएगा। ठंडी हो रही है ठंडी, तो मैं ये उतार के जा रही हूँ। और वैसे ना हमारे घर में जैसे धूप नहीं आती है, तो थैंक्स टू अनु की वो कपड़े सुखाने देती है, छत पूरी यूज़ कर सकते हैं, मतलब घर के जैसा ही, अपना जैसे मन चाहे वैसे यूज़ करो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो सर्दी में बड़ा सुख हो जाता है यार। और पता है इस बार हम लोगों ने सोचा था कि जब हम घर लेंगे ना तो हम टॉप फ्लोर लेंगे, लिफ्ट वाला लेंगे, ये सोचा था, बट इतनी जल्दी में लिया गया ना कि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी जल्दी में लिया गया ये घर। और ठंडी लग रही है, मैंने ये वाला नॉर्मल पहना हुआ है, अंदर तो क्या ना गर्म रहता है लेकिन ऊपर छत पे भी ठंडी है। तो यहाँ पे अनु के पेड़ पौधे सारी चीज़ें रखी हुई है, तो ऐसा चलो कर लेते हैं, उसके बाद चाय वाय बनाएंगे, काम करेंगे। और यहाँ पे ना पास में एक शॉप है उस पे, यार ये अनु का तो सही खड़ा हुआ है, ये क्या था लेमन ग्रास, मेरा तो सारा मर गया, पता नहीं इसका तो सही है यार। और पता है ये सही रहता है, ये ना बड़ा हो गया, मेरा भी बड़ा हो गया है लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि गमला बड़ा है, तो थोड़ा सा ना पौधों का ये भी रहता है, बड़े वाले गमले में लगाओ ना उनको तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। चलो उतार लेते हैं फटाफट से, अदरवाइज फिर मैं बातों में लगी रहूँगी यहाँ पर। और ये देखो ये नीचे मर रहा था, यहाँ पर रखा है तब से, मतलब सेम है, मतलब उतना का उतना ही है ये, तो ये मैं तीन चार बार ला चुकी हूँ लेकिन ये चलता ही नहीं है, धुआं धुआं सा लग रहा है यार, इसने बोला भी नहीं जा रहा, गले में लग रहा है, अटक रहा है, देखो अगर दिख रहा होगा ना तो देखो,
पोल्यूशन देख रहे हो, ये है दिल्ली की हालत, ये सारा पोल्यूशन है, सारा पूरा। और मतलब गले में ऐसा लग रहा है जैसे धुआं है, अजीब सा हो रखा है। अपना ही अंदर ही सही है, अपना जा करके कम से कम एयर प्योरीफायर चला करके बैठ जाओ अपना, वो ठीक लगता है। तो चलो चलती हूँ मैं नीचे इनको उतार के। भाई इन वाली चप्पलों में लग रही है ठंड, तो बिल्कुल मेरे को तो ऐसा हो गया, पता नहीं मेरा आगे सर्दी में क्या हाल होगा। मैं तो अपनी ये वाली निकाल लेती हूँ और ये पहन के रखती हूँ। सॉक्स तो खैर अभी पहनने स्टार्ट नहीं किए मैंने, लेकिन ये वाली पहनती हूँ तो इससे क्या होता है ना पैर गर्म रहते हैं, और ये वाले लगा देती हूँ इसी में फिलहाल तो ऐसे ही। चलो और बनाएंगे चाय, ठीक है, भूख लगी हुई है, चाय बनाते हैं पापड़ के साथ।
फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपने छोटा सा जो ब्लॉग है वो एंजॉय किया होगा। थोड़ी सी शाम मैंने अपनी आप लोगों के साथ शेयर की है और चाय पे इनवाइटेड है। आप लोग साथ में हैं पापड़ तो ज़रूर आइएगा और मेरे साथ चाय को एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों से जैसे मेरी बात हुई है व्हाट्सएप पर भी, तो वो बोलते हैं कि जब से उन्होंने देखा है, मेरे ब्लॉग देखना शुरू किया, उन्होंने चाय पीने शुरू कर दिया। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ तो मुझे याद आता है कि यार मेरी चाय देखी, कितने सारे लोग अपनी चाय को याद करते हैं, बनाने लग जाते हैं। तो इससे एक कनेक्शन लगता है कि हाँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, आपकी लाइफ उनको अपनी लाइफ लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको पढ़ करके। तो चलिए फिर मिल लूँगी मैं आपसे, इसके बाद अपना दूसरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करूँगी दूसरे चैनल पर। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है उसके लिए रियली सॉरी। तो मैं करूँगी चाय एंड पापड़ एंजॉय और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।